हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, लगातार आप लोगों का मैसेज पर मैसेज आ रहा था भूतपूर्व सैनिकों का कि सर डीवी शेड्यूल कब तक जारी होगा, और टाइम लग रहा है शेड्यूल जारी अभी तक भी नहीं हुआ है लंबा टाइम होने के कारण, क्योंकि ये वैकेंसी फ्रेंड्स लंबे टाइम से लंबित पड़ी हुई है वैकेंसी कोर्ट में जाने के कारण। फिर वहाँ पर टाइम लगा उसका भूतपूर्व सैनिकों का, और उसके बाद में एक सर्विस मैन का जब आपका रिजल्ट आया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट अभी तक जारी नहीं हुई है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, बहुत लंबा टाइम ले लिया है। इसलिए अब जो मेरे पास मैसेज किया है मेरे मित्र दोस्तों ने कि सर हम लोग 8 जुलाई को जयपुर में एक आंदोलन करने वाले हैं अधीनस्थ बोर्ड के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने अभी तक डीवी शेड्यूल जारी क्यों नहीं किया, क्योंकि एक सर्विस मैनों को लगातार कोर्ट में जाने के कारण कोर्ट में चक्कर काटने के बाद में अब अभी तक भी डीवी शेड्यूल जारी नहीं किया गया। इसका कारण क्या है उनके पास कि अभी तक क्यों नहीं किया उन लोगों ने। डीवी शेड्यूल होने के बाद में उनकी मेरिट लिस्ट के आधार पर उनका सिलेक्शन किया जाएगा, उसके बाद में भी एक रिजल्ट आएगा, क्योंकि अभी तो उनको 2 गुणों को पास किया गया है, और वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद में फाइनल रिजल्ट आएगा, यानी टाइम उसमें लग जाएगा। फिर उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाएगा, लंबा टाइम अभी भी लगेगा। इसलिए हमारे जो भूतपूर्व सैनिक है, एक सर्विस मैन है जो हमारे ग्रुप में एड है, उनका लगातार मैसेज पर मैसेज आ रहा था, और आज एक और मेरे जो प्रिय मित्र है उनका मैसेज आया था कि सर हम लोग 8 जुलाई को जयपुर में आंदोलन करेंगे, और जयपुर में आंदोलन करेंगे, इसलिए आप जरूर एक वीडियो लेकर आए जिससे हमें वहां पर थोड़ी सफलता मिल सके, हमारे जो भूतपूर्व सैनिक है वो भी जयपुर में आए और आंदोलन कीजिए, क्योंकि आपका डीवी शेड्यूल बहुत लंबा टाइम लग चुका है। अभी तक डीवी के लिए कोई भी नोटिस अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जारी नहीं किया गया है, इसलिए अब 8 जुलाई को आंदोलन करने की बात बोल रहे हैं भूतपूर्व सैनिक। और जो भी अगर दोस्त राजस्थान वनरक्षक भर्ती ग्रुप में ऐड होना चाहता है, राजस्थान एक सर्विस मैन के ग्रुप में ऐड होना चाहता है, तो 8085813375 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। लगातार मैं इस वैकेंसी से बना हुआ हूँ, जब ये वैकेंसी आई थी उस समय से लेकर आज जब आपका एक सर्विस मैन का कोर्ट में मामला चला गया था, उस टाइम भी मैं लगातार इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ था, उसके बाद में आपका रिजल्ट जारी हुआ, उसके बाद में अब डीवी तक भी मैं आपके साथ हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि जब तक आपको लास्ट फाइनल स्टेज तक आपको नौकरी जब तक आपके घर नहीं आ जाएगी ज्वाइनिंग लेटर, और आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं कर दिया जाएगा, जब तक मैं इस वैकेंसी की जो भी जानकारी आएगी मैं सबसे पहले आपको के माध्यम से और चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। इसलिए अब देखेंगे 8 जुलाई को जयपुर में भूतपूर्व सैनिकों का आंदोलन किया जाएगा, उसके बाद में फ्रेंड्स अभी रीट का आंदोलन चल रहा है, और जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती से संबंधित यानी अधीनस्थ बोर्ड के सामने लगातार कल तो रीट वैकेंसी का आंदोलन हुआ था, उसके एक दिन पहले जूनियर अकाउंटेंट का हुआ था, और 5 जुलाई को रीट वैकेंसी का वापस वहां पर 50% वाला है उस आंदोलन को किया जाएगा, और 8 जुलाई को जयपुर में एक सर्विस मैन के द्वारा आंदोलन किया जाएगा, यानी लगातार जयपुर में आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन हमारे अध्यक्ष साहब जो अधीनस्थ बोर्ड के हैं उनके द्वारा कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है जिसके आधार पर हमारे जो विद्यार्थी है उनको एक संतुष्टि प्राप्त हो सके। हाँ, अब देखने की बात है कि 8 जुलाई को क्या मामला रहता है, उसके बाद में हम एक और वीडियो बनाकर लेकर आएंगे। तो सभी को धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।